डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या एडीसी या बीकॉम पार्ट वन के स्टूडेंट हैं या इसके अलावा बीबीए वगैरह में भी एमबीए वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, एक चैप्टर है जिसका नाम है पार्टनरशिप लिक्विडेशन। और इसके अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका दे चुका हूँ, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो पार्टनरशिप लिक्विडेशन क्या होती है उसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि पार्टनरशिप लिक्विडेशन में इंटर में और एडीसी यानी बीकॉम पार्ट वन में जो पॉसिबल एंट्रीज वो आपसे पूछते हैं वो क्या है, उसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये तो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पार्टनरशिप लिक्विडेशन आमतौर पर 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। बहुत रेयर केसेज में ऐसा होता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाल देते हैं, वरना आमतौर पर ये 5 स्टेप्स होते हैं। तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेकर चलता हूँ। वो 5 स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप होता है सेल ऑफ अदर एसेट्स, यानी आप अपने तमाम एसेट्स को बेचेंगे। दूसरा स्टेप होता है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, तमाम लाइबिलिटी पे करेंगे। तीसरा स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन, यानी एसेट को बेचने में जो भी गेन या लॉस हुआ वो पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद है चौथा स्टेप है कैपिटल डेफिशिएंसी इफ एनी, यानी कि ये चेक करेंगे कि लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या किसी पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव किया या नहीं किया। अगर किसी पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव जाता है तो फिर ये चेक करेंगे कि वो पार्टनर सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है। ठीक। और लास्ट स्टेप ये होता है कि पार्टनर्स के दरमियान जो भी रिमेनिंग कैश होता है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देते हैं पार्टनरशिप को। बस ये है कुछ 5 स्टेप्स। अब आइए इन स्टेप्स की एंट्रीज क्या बनती है, ज़रा उनको डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 है, पहला स्टेप क्या है, सेल ऑफ अदर एसेट्स, यानी अपने तमाम एसेट्स को सेल करेंगे। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ आपको लेकर चलता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास जो एसेट्स हैं वो हैं 2,10,000 रुपये के। अगर मैं अपने एसेट्स बेचने जाऊँ तो मुमकिन है कि मैं अपने एसेट्स को इसी कीमत से ज़्यादा पर बेचूँगा, ये मुमकिन है कि मैं अपने एसेट्स को इससे कम पर बेचूंगा। यानी कि हो सकता है कि मोर देन बुक वैल्यू, यानी कि मैं 2,10,000 के जो एसेट्स हैं हो सकता है कि वो मैं 3,00,000 में बेच दूँ, मुमकिन है। या ये भी हो सकता है कि मैं 2,10,000 के एसेट्स को लेस देन बुक वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू से कम पर बेचूँ, यानी 2,00,000 पर बेच दूँ। अगर मैं 2,10,000 के एसेट्स 3,00,000 पर बेचता हूँ तो इसका मतलब मुझे गेन हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। और अगर मैं 2,10,000 के एसेट्स अगर मैं 2,00,000 में बेचता हूँ तो इसका मतलब मुझे लॉस हो जाएगा। अगर मैं ज़्यादा पर बेचता हूँ तो एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट। कितना कैश मेरे पास कितना आएगा, 3,00,000, क्योंकि एसेट कितने बेचे, 3,00,000 में। पैसा कितना मिलेगा, 3,00,000। इसके अलावा मेरे पास से जो एसेट्स गए, अदर एसेट्स कितने गए थे, 2,10,000 के, वो अदर एसेट्स हो गए क्रेडिट। ठीक है। और इसके अलावा मुझे 90,000 रुपये का हो गया गेन। गेन हो या लॉस हो किस नाम से लिखा जाएगा, रियलाइजेशन के नाम से। अगर गेन होगा तो रियलाइजेशन कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पर। और अगर कम कीमत पर बेचता हूँ तो जाहिर सी बात है लॉस हो जाएगा। तो फिर उस सूरत में ये एंट्री बनी कैश डेबिट। कितना कैश आएगा मेरे पास, 2,00,000 रुपए। क्यों? क्योंकि जो मैंने एसेट बेचे वो 2,00,000 में बेचे, तो कैश आया मेरे पास 2,00,000 रुपए। ठीक। अच्छा, इसके बाद मेरे पास से एसेट्स चले गए, कितने के एसेट चले गए, 2,10,000 के एसेट चले गए। तो अदर एसेट्स को क्रेडिट कर दिया 2,10,000 से। अब मुझे 10,000 रुपये का हो गया लॉस, क्योंकि 2,10,000 की चीज़ अगर मैं 2,00,000 में बेचता हूँ तो मुझे 10,000 का लॉस हो जाएगा। लॉस कहाँ लिखा जाएगा, लॉस लिखा जाएगा डेबिट साइड पर। किस नाम से, रियलाइजेशन के नाम से। यानी कि अगर दोनों एंट्री का कंपैरिजन करें, दोनों एंट्री बिल्कुल सेम है। ठीक है। अमाउंट्स ऑब्वियसली चेंज है, कैश डेबिट, कैश डेबिट, अदर एसेट्स क्रेडिट, अदर एसेट्स क्रेडिट। बस इसमें रियलाइजेशन क्रेडिट है और इसमें रियलाइजेशन जो है वो डेबिट है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। ये दो तरह की एंट्रीज इसके अंदर आ सकती हैं। अब वो जितने तरह के भी एसेट थे उन तमाम के लिए ये सेम एंट्री है। दूसरा स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अब अपनी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे। सपोज कीजिए हमारे कारोबार की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो है 50,000। अगर मैं इसकी पेमेंट करता हूँ तो पेमेंट दो सूरतों में हो सकती है। या तो मैं इक्वल टू बुक वैल्यू, यानी जितनी लाइबिलिटी है मैं उतनी पेमेंट करूँगा। कितनी लाइबिलिटी, 50,000, मैं 50,000 ही पेमेंट करूँगा। या फिर ये हो सकता है कि मैं लाइबिलिटी की कम पेमेंट कर दूँ। भाई कारोबार ख़त्म होने वाला, हालात अच्छे नहीं, हमने कारोबार को जो कर्जदार है उनको बोला भाई हम पूरी लाइबिलिटी पे नहीं कर सकते, हम 40,000 दे सकते हैं। तो ये दो कंडीशन हो सकती है। अब आप बोलें सर ज़्यादा लाइबिलिटी भी तो पे कर सकते हैं, दिमाग थोड़ी ख़राब है भाई हमारा कि हम 50,000 के बजाय किसी को 60,000 लाइबिलिटी क्यों पे करेंगे। 50,000 तो पूरे 50,000 दे सकते हैं या फिर उससे कम लाइबिलिटी पे करेंगे। ये दो कंडीशन है। अगर हम पूरी लाइबिलिटी पे कर देते हैं, 50,000 लाइबिलिटी है और इक्वल टू बुक वैल्यू, यानी पूरे 50,000 ही पे कर देते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट पेबल डेबिट 50,000 एंड देन कैश क्रेडिट 50,000। सिंपल सी एंट्री है ये। तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी कि लाइबिलिटी पे करें तो क्या एंट्री बनाते हैं, अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन अगर हम कम लाइबिलिटी पे करते हैं, 50,000 के बजाय अगर हम 40,000 पे करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें फ़ायदा हो जाएगा, पार्टनरशिप को फ़ायदा होगा। और पीछे मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की कि अगर फ़ायदा हो जाए तो फ़ायदा किस नाम से लिखा जाएगा, रियलाइजेशन के नाम से। तो एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट पेबल अगेन डेबिट कितना हो जाएगा, 50,000। लेकिन अब कैश आप 50,000 पे नहीं कर रहे बल्कि कैश 40,000 पे कर रहे हैं, तो कैश कितना क्रेडिट करेंगे आप, 40,000। और बाकी 10,000 का हो गया आपको फ़ायदा, वो फ़ायदा किस नाम से लिखा जाएगा, रियलाइजेशन के नाम से, क्रेडिट साइड पर। तो ये दो पॉसिबल एंट्रीज हैं लाइबिलिटी पे करने के लिए। ठीक।
तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन और लॉस। अगर गेन होगा तो क्या एंट्री बनेगी, लॉस होगा तो क्या एंट्री बनेगी। सपोज कीजिए मैं ये अज्यूम करता हूँ कि हमने जो एसेट बेचे, ऐसी अज्यूम कर रहा हूँ अपने पास से, हमने जो एसेट बेचे उसको बेचने में हमें 60,000 का या तो गेन हुआ या लॉस हुआ, दोनों बातें यहाँ डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए गेन हुआ 60,000 का, और ये भी सपोज कर लेता हूँ कि लॉस हुआ 60,000 का। अब ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है कि पार्टनर्स गेन और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या रेशियो से। तो मैं यहाँ अज्यूम करता हूँ कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स गेन और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर रेशो होगा तो रेशो के मुताबिक, और अगर जो भी कैपिटल रेशो होगा तो उसके मुताबिक, जो कुछ भी लिखा होगा उसके मुताबिक आप पार्टनर्स में गेन और लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर गेन होता है तो गेन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? देखिए, अगर गेन होता है तो गेन अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनसे गेन से उनके कैपिटल्स बढ़ जाते हैं, और अगर कैपिटल बढ़ जाए तो कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड पर। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? सपोज करता हूँ तीन पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर से कैपिटल को मैंने कर दिया क्रेडिट, ए कैपिटल क्रेडिट, बी कैपिटल क्रेडिट और सी कैपिटल, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और डेबिट साइड पर क्या लिखा जाएगा? रियलाइजेशन, क्योंकि आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, गेन डिस्ट्रीब्यूट किया। गेन कहाँ होता है? क्रेडिट साइड पर। तो वो पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गेन खत्म हो जाएगा, खत्म करने के लिए उसे कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पर। तो रियलाइजेशन को मैंने लिख दिया डेबिट साइड पर 60,000। इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो बस यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल सेम रिवर्स कर दीजिए। अगर लॉस होगा तो पार्टनर से कैपिटल्स कम हो जाएंगे, कैपिटल कम हो जाएंगे तो कहाँ लिखे जाएंगे? डेबिट साइड पर। तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को मैंने कर दिया डेबिट, और रियलाइजेशन को मैंने कर दिया क्रेडिट 60,000 रुपीज़। ठीक है, ये इसकी एंट्री बनाई जाएगी। ठीक है जनाब, ये हो गए हमारे तीन स्टेप्स। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप का मतलब क्या होता है कि जब आपने अभी अभी पीछे लेकर चलता हूँ थोड़ा सा, थर्ड स्टेप में अगर गेन डिस्ट्रीब्यूट किया है तो चौथा स्टेप होगा ही नहीं, अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है तो मे बी पॉसिबल चौथा स्टेप हो या चौथा स्टेप ना हो। गेन की सूरत में चौथा स्टेप होगा ही नहीं, लॉस अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो शायद फोर्थ स्टेप हो, शायद फोर्थ स्टेप ना हो। क्या है फोर्थ स्टेप? फोर्थ स्टेप का मतलब है कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब ये कि जब आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लॉस से पार्टनर से कैपिटल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप ये चेक करेंगे कि क्या किसी पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव में गया या नहीं गया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मिसाल के तौर पर तीन पार्टनर्स हैं, तीनों ने कारोबार में इन्वेस्ट किए, एक ए ने इन्वेस्ट किए 50,000, बी ने इन्वेस्ट किए 10,000 और सी ने इन्वेस्ट किए 30,000। ठीक है, ए ने 50,000, बी ने 10,000 और सी ने 30,000। अभी अभी आपने पिछली एंट्री में जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, तीनों के हिस्से में 20,000 रुपये का लॉस आया। तो ए के हिस्से में 20,000 का लॉस आया, बी के हिस्से में भी 20,000 का लॉस आया और सी के हिस्से में भी 20,000 का लॉस आया। ए का कैपिटल कितना बताया मैंने आपको? 50,000। उस 50,000 में से अगर मैं 20,000 माइनस कर दूँ, नुकसान माइनस कर दूँ, तब भी ए का कैपिटल कितना बचता है? 30,000 रुपये। सी का कैपिटल मैंने कितना बताया? 30,000। उसमें से अगर मैं 20,000 रुपये का नुकसान निकाल भी दूँ तब भी सी का कैपिटल कितना बचता है? 10,000। लेकिन बी का कैपिटल मैंने कितना बताया था? 10,000। उसमें से अगर मैं 20,000 का नुकसान निकाल देता हूँ तो बी का कैपिटल माइनस में चला जाता है। तो जिस पार्टनर का कैपिटल माइनस में जाएगा, फोर्थ स्टेप उसके लिए है। कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब यह है कि लॉस डिस्ट्रीब्यूट, देखिए नुकसान होगा तो क्या होगा, अगर आप किसी कारोबार में पैसा लगाते हैं और अगर आपको नुकसान हो जाए तो वो जो पैसा आपने लगाया होगा ना, वो पैसा कम होता चला जाएगा। तो ऐसे ही बी का नुकसान हो गया, और बी का जब नुकसान हुआ तो वो इतना हो गया कि उसका कैपिटल माइनस में चला गया। जब किसी का कैपिटल नेगेटिव में चला जाता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। अब इसके दो रास्ते हो सकते हैं, या तो भी अपने घर से पैसा लेकर आ सकता है, यानी सॉल्वेंट पार्टनर, यानी कि अपनी नुकसान को खुद पूरा कर सकता है, या फिर बी ये कहता है कि नहीं भाई मेरे घर पर पैसा नहीं है, हम लोग खुद जो है वो सैलानी में पल लें, तो मैं घर से पैसा लेकर नहीं आ सकता। तो फिर सी का बी क्या कहलाएगा? इंसॉल्वेंट पार्टनर। यानी पार्टनर अगर अपने नुकसान को खुद पूरा कर सकता है कहीं से भी पैसा लाकर, तो वो पार्टनर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। और अगर वो पार्टनर अपने नुकसान को पूरा नहीं कर सकता तो फिर वो पार्टनर क्या कहलाएगा? इंसॉल्वेंट। अगर वो पार्टनर अपने घर से पैसा लेकर आ जाता है तो इसका मतलब कारोबार में वो कैश लेकर आएगा। कैश लेकर आएगा तो क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट 10,000। और कौन लेकर आया? बी। तो बी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 10,000। लेकिन अगर वो पार्टनर पैसा लेकर नहीं आ सकता तो भाई नुकसान को कोई ना कोई तो पूरा करेगा, क्योंकि कारोबार चल रहा ही है, तो इस नुकसान को कोई ना कोई तो पूरा करेगा। इसकी मिसाल बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तीन दोस्तों ने खाना खा लिया, अब सबके हिस्से में 2,000 रुपये आए, आपने दे दिए 2,000 रुपये, बी ने भी दे दिए 2,000। एक दोस्त कह रहा है कि नहीं यार मेरे पास तो 1,000 रुपये ही, तो आप उसे दो बातें बोल सकते हैं, बेटा जाओ फटाफट रिक्शे में बैठो, कहीं भी बैठो, फटाफट जाओ घर और घर से 1,000 रुपये लेकर आओ। तो अगर वो घर से पैसा लेकर आ जाता है या फ़ोन करके किसी को मंगवा लेता है तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। या अगर आप उसके अच्छे दोस्त हैं, सही है भाई, अगर आप उसके अच्छे और दोस्त हैं तो बोलेंगे कोई बात नहीं है जाने दे,
तुम्हारे पैसे हम पे कर देंगे, क्योंकि जब बिल आएगा 6,000 रुपये का, यानी कि जो रेस्टोरेंट वाला बिल लेकर आएगा, उसको ये थोड़ी बोलेंगे भाई इसके पास पैसा नहीं है माफ़ कर दो, उसको तो पूरा पैसा चाहिए। तो जब आपके एक दोस्त के पास पैसा नहीं होगा तो बिल का पैसा कौन अदा करेगा? जाहिर सी बात है बाकी पार्टनर्स उसके नुकसान को पूरा करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर बी पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो उसके नुकसान को बाकी पार्टनर्स पूरा करेंगे। जब ये नुकसान बाकी पार्टनर्स पूरा करते हैं यानी ए और सी, तो ए और सी के कैपिटल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नुकसान बर्दाश्त करेंगे वो बी का। जब कैपिटल्स कम हो जाएंगे तो कहाँ लिखे जाएंगे? डेबिट साइड पर। तो ए का कैपिटल हो गया डेबिट और सी का कैपिटल भी हो गया डेबिट। अब ये याद रखिएगा कि अगर आपने थर्ड स्टेप में गेन और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था तो यहाँ पर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपने थर्ड स्टेप में किसी रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया था तो यहाँ पर भी उसी रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और बी का कैपिटल क्या हो जाएगा? हर सूरत में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? चाहे सॉल्वेंट हो चाहे इंसॉल्वेंट हो, उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट होगा तो कैश डेबिट हो जाएगा, अगर इंसॉल्वेंट होगा तो बाकी पार्टनर से कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। और लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। सपोज कीजिए मेरे पास 50,000 रुपये कैश बचा है, अब ये कैश आप कितने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऑब्वियसली ये कैश अब आप बी को छोड़कर ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब ए और सी में ये कैश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट। ये मैंने कैपिटल इनके अज्यूम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल तो ए का कैपिटल है सपोज 30,000 रुपये, सी का कैपिटल है 20,000, इन दोनों को इतने इतने पैसे मिलेंगे और कैश कारोबार से क्रेडिट हो जाएगा, चला जाएगा 50,000 रुपये। तो जनाब ये थी लिक्विडेशन की कुछ पॉसिबल एंट्रीज। ये पांच स्टेप्स हैं, पांचों स्टेप्स में जो भी पॉसिबल एंट्रीज होती है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अभी एंट्रीज को अपने सामने रखते हुए आप कोई भी सवाल ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपसे वो सवाल हो जाएगा, बस वैल्यूज आपको चेंज करनी। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इंशाल्लाह आज के लिए इतना रखेंगे, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।